ब्यूटिफुलूट लिटिल यूनिकॉर्न कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार हग्स एंड सर्विस फ्रॉम माय साइड तो आई विश आई प्रे एंड आई ऑलवेज़ होप फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल आउ देयर कि आप सब लोग हमेशा स्वस्थ खुश और मस्त रहें तो कैसी ठंड पड़ रही है आप लोगों के वहाँ पर यहाँ पर कड़ाके की ठंड है राइट नाउ ऑल दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू बट स्टिल मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ठंड का माहौल है ये कप कपाती हुई बहुत रातें हैं ओके <laughs> सो okay. so, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी थंबनेल में एंड uh, इधर जो होता है क्या बोलते हैं उसे टाइटल यस टाइटल में अगर नहीं देखा है तो कोई नहीं मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी एंड सेकेंड थिंग अगर आप लोग पहली बार आए हैं इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ नॉट ओनली ऑन दिस चैनल बट आप सभी लोगों का वेलकम है इस खूबसूरत सी फैमिली के अंदर और अगर आप लोग वापस आए हैं चैनल पर और ऑलरेडी फैमिली का हिस्सा है तो बहुत सारी हकजन तो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो है मोस्ट अवेटेड वीडियो आप सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि 2023 के ऊपर रीडिंग कीजिए बट द पॉइंट इज और दिक्कत इज़ दिक्कत वाह वो हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन तो दिक्कत ये पड़ रही है यहाँ पे कि जो ज़्यादा टाइम की ज़्यादा आर्स की वीडियो होती है ना वो बहुत स्लो 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 चल रही है एंड आई डोंट नो नेटवर्क में इशू है क्या है बट but... बहुत दिक्कत आ रही है है ना अपलोड करने में तो मैंने ये सोचा है कि आप लोगों तक रीडिंग पहुंचाने के लिए मैं 2023 की जो रीडिंग है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो आज हम लोग पार्ट वन देखने वाले हैं कि 2023 में आपके लिए ओवरऑल कैसा जाने वाला है सेकंड थिंग मेजर इवेंट्स आप लोग क्या यू नो एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड फ्रॉम द डिवाइन एंड आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या है राइट right नाउ जो अभी हाल फिलहाल आप लोगों को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है तो उसके बाद में पार्ट टू में हम लोग और चीज़ें देखेंगे लाइक योर लकी नंबर लकी प्लेसेस लकी डेज मंथ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा और फिर पार्ट थ्री देखेंगे अगर हमें नीड पड़ी तो तो मैं पार्ट्स में आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी ताकि मेरे लिए इजी रहे और आप लोगों के लिए भी इजी रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग सो दिस इज़ 2023 का ईयरली स्प्रेड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस दिस इज पार्ट फर्स्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं मेजर इवेंट्स के बारे में सो राइट नाउ अब हम चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ तो पाइल सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है आप लोगों ने सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है जी हाँ किसी भी साल के किसी भी मंथ की तारीख में आपका जन्म हुआ है बस आप लोगों ने चेक करना है आपकी तारीख़ जैसे कि मेरा जन्म है ट्वेंटी एट ऑफ अक्टूबर तो ट्वेंटी एथ ऑफ अक्टूबर पाइल नंबर टू में है तो मैं पायल नंबर टू को पिक कर लूँगी उसी हिसाब से अगर आपका बर्थडे डेट है बारह तो आप बारह को यहाँ से पायल नंबर थ्री पिक कर सकते हैं अगर आपकी डी है ट्वेंटी तो आप यहाँ से पायल नंबर वन को पिक कर सकते हैं सो वट एवर द डी यू हैव डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सिंपली उसको यहाँ पे से पिक कर लेना है ठीक है तो पाइल्स की तरफ चलते हैं पाइल नंबर वन में है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन यानी कि एक दो तीन चार पाँच पंद्रह सोलह सत्रह अठारह छब्बीस एन सत्ताईस। अच्छा पाइल नंबर टू में है हमारे पास सिक्स सेवन एट नाइन टेन और 19, 20, 21, 22, 28, 29 एट यानी कि 26, 20 ट्वेंटी सॉरी ओह गॉड छः सात आठ नौ दस उन्नीस बीस इक्कीस बाईस सट्ठाईस एन उनतीस हाँ मुझे इसकी एनर्जी बहुत शार्प लग रही है ओके इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड थर्टी फर्स्ट फॉर द पाइल नंबर थ्री एंड अगेन अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो ग्यारह बारह तेरह चौदह तेईस चौबीस पच्चीस तीस एंड इकत्तीस तो हे वी गो विथ द पाइल नंबर फर्स्ट पहले और एक येस नो का सेशन जरूर करेंगे हम लोग आपके पाइल के अकॉर्डिंग लास्ट में रीडिंग के तो स्टे ट्यून गाइस एंड जितनी भी चीज़ें हैं लाइक आपकी जितने भी टाइम स्टेम्स हैं फॉर दीज थ्री ग्रुप्स फाइल सिलेक्शन एंड नो सेशन वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी मैंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में सो आप लोग जाकर के अपनी रीडिंग्स को इन्जॉय कर सकते हैं आप अपने लिए भी देख सकते हैं आप अपने किसी प्रियजन के लिए भी देख सकते हैं किसी के लिए भी देख सकते हैं सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जो जनरल टाइमलेस टेरोप आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल ऑफ देर कि आप सभी लोगों से अच्छा रेजोनेट हो और आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज बता दू कि मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ तो किसी भी तरीके के स्कैमर एंड फ्रॉड एलेंट से बच के रहिएगा इफ यू वॉन्ट पर्सनल paid readings from me so you can definitely go ahead and mail me on my mail id or you can dm me on my instagram account dono ke hi link maine description mein de diye hain to chaliye start karte hain aaj ki reading Hi to all my beautiful, beautiful unicorn people, कैसे हैं आप सब लोग तो आप लोगों ने पाइल number वन को select किया है यानी कि आपका date of birth हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव 15, 16, 17, 18, 26 और 27. सेवन सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग स्काइज आई होप आई विश एंड प्रे कि आप सभी लोगों से रीडिंग बहुत खूबसूरती के साथ resonate हो तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ होप दिस इज विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू और नहीं है तो मैं कैमरा थोड़ा सा डाउनवर्ड्स कर देती हूँ ओके okay. now आई होप दिस इज़ क्लियरली विजिबल ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए मी शफल फॉर यू ऑल और हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बहरहाल मैं इसे नहीं ले रही हूँ क्यों वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी वो मैं अभी नहीं बताऊँगी इसे भी मैं नहीं ले रही हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अपने लिए प्रेयर नहीं करी है सो मैं ब्यूटिफुल पीपल आप लोग प्लीज अपने लिए एक बार प्रेयर कर लीजिए ताकि आप इस रीडिंग को पॉजिटिवली इंजॉय कर सकें डिवाइन आपको आपके मैसेजेस समझा सकें एंजल्स आपको आपके मैसेजेस क्लियरली बता सकें मैं सफल कर रही हूँ काज निकाल रही हूँ आप लोग प्रेयर कर लीजिए ठीक है सो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ चैंटिंग किसी भी तरीके की कोई भी प्रेयर बट डेफिनेटली गो फॉर इट ये आपको सुकून देंगे गाइड करें क्लैरिटी के साथ फॉर माई फाइल नंबर वन पीपल मेजर ओको सो सॉरी आई एम सो सॉरी प्लीज फोर गिव मी हाँ लेट सी मोर दिस इज़ वोट एम सींग हेयर देखो एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर uh, या तो ये पैशन पॉजिटिव तरीके से है या फिर ये पैशन बहुत ही नेगेटिव तरीके से है या तो जब मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन में अगर आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में मैं पाइल सेलेक्शन के बारे में बता रही थी एंड आई वॉज़ टोटली फैसिनेटेड विद डीज नंबर्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन है ना तो फाइल नंबर वन पीपल आप लोगों की एनर्जी बहुत फास्ट है बहुत शार्प है या तो आप लोग एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं फायरी साइंस या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर के बहुत पैशनेट हो रखे हैं लाइक वी वॉन्ट दिस थिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट दिस दैट और ऐसी वाली एनर्जी एकदम कहते हैं ना जैसे कि डेस्परेट हो जाता है इंसान बिल्कुल कुछ वैसा ही बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोल्स। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा पहले अच्छे से कांच निकाल लेती हूँ उसके बाद रीडिंग करना पसंद करती हूँ आजकल मैं हमेशा ऐसा यूज़ुअली नहीं करती हूँ बट मुझे अभी कुछ दिनों से यही एनर्जी फैसिलिटेट कर रही है एम डूइंग दिस थिंग तो अगर आप लोगों ने शफलिंग देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं नहीं देखनी है तो भी कोई चक्कर नहीं है जरा सा यहाँ से टैप टैप कर दीजिए यू कैन डेफिनेटली गो ऑन योर रीडिंग पार्ट ना हाई टू ऑल द डबीज जो कि अभी भी देख रहे हैं <laughs> बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फास्ट फास्ट फ्लोइंग एनर्जी बहुत रफ्तार मैंने बोला था ना कोई तो है यहाँ पे जो बहुत पैशनेट चीजों को चाहता है लाइक like, बस चाहता है कि हो जाए आई जस्ट आई नीड इट राइट नाउ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ऑल दो आज मैं बहुत सारे कार्ज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ लेकिन जो भी डेक मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ ये सारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं आई डोंट नो वाई दे ऑलवेज शो मी द ब्यूटिफुल पाथ तो मैंने आज के रीडिंग के लिए इन्हीं ही इस्तेमाल किया बॉटम ऑफ द डेक देयर एंड नाव अभी 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 की एनर्जी ओके okay.

कि आपको अपने माइंड को और अपने हार्ट uh, को स्पेशली हील करने की ज़रूरत है तो इन तीनों कार्ड्स को हम बाद में देखते हैं सबसे पहले हम टैरो की तरफ देखते हैं अगर हमें नीड पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि और कार्ड्स निकालने चाहिए तो आज के टैरो सेशन में हम और कार्ड्स भी निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो बेसिकली लेट्स सी द मोस्ट मेजर इवेंट्स जो 2023 में आप लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं ये कुछ अच्छे इवेंट्स भी हो सकते हैं ये कुछ बुरे इवेंट्स भी हो सकते हैं तो मैं दोनों की ही चीज़ें आपको बताऊंगी गाइडेंस भी दूंगी मोर ओवर अगर कोई रेमेडी चाहिए होगी तो हम रेमेडी भी जो है डिस्कस करेंगे ओके ओके सो मैं यहाँ पे कौन से जूडिय की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ एरीज़ लियो एंड सैज एज़ आई टोल्ड यू गाइज वैसे यहाँ पे कौन कौन से साइंस मौजूद हैं यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सेजिटेरियस एंड जमेनाई लिब्रा एक्वेरियस अर्थ एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है फॉर द पायल नंबर वन बाकी सारी एनर्जीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है अब जो लोग अर्थ एनर्जी के हैं यानी कि टॉरस वेगो कैप्रिकॉन है और पायल नंबर वन को देख रहे हैं तो हताश बिल्कुल भी ना हो निराश बिल्कुल भी ना हो कि मेरा यहाँ पर जोडियक नहीं है समाइम्स जोडियक की बात नहीं होती है बात होती है आपकी एनर्जीज़ की तो हाल फिलहाल भले से आपका जोडिक जो भी हो लेकिन अभी किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की हो रखी है बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा फ्लोई ठीक है बहुत ज़्यादा मतलब लाइक सेवन स्काई पर है अभी इस वक्त आप लोग नाउ लेट लेट मी टेल यू गाइज द मेजर मेजर इवेंट्स अगर आप लोग द वेरी फर्स्ट मेजर इवेंट आई एम सींग अगर आप लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं यस प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा अगर आप लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं पहले मैं सारी नेगेटिव इवेंट्स बता देती हूँ बिकॉज़ कुछ नेगेटिव इवेंट्स कुछ नहीं एक्चुअली कुछ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इवेंट्स दिख रहे हैं एंड कुछ बहुत बहुत पॉजिटिव इवेंट्स हैं तो मैं दोनों ही डिस्कस करूँगी पहले हम कड़वा देख लेते हैं ताकि हमें मीठे का जो है एहसास एंड तक बना रहे ओके सो द वेरी फर्स्ट थिंग अगर आप लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं ट्वेंटी फोर इन सेवन काम में लगे रहते हैं हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हैं अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हैं हर वक्त परेशान रहते हैं कैसे होगा क्या होगा ये वो फलाना ढिमकाना आई एम टेलिंग यू पायल नंबर वन पीपल बहुत गंदा बीमार पड़ोगे बहुत गंदा एकदम क्लियरली मुझे ऐसे नहीं बोल देना चाहिए समटाइम इट हर्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल उन्होंने मुझसे बोला भी है कमेंट सेक्शन में कि आप एकदम सूखा सा क्लियोर बोल देते हो सी दिस इज़ ऑल अबाउट माय वर्क ये मेरे काम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है और मैं इसे हमेशा अदा करना चाहती हूँ मैं पर्सनल रीडिंग्स में भी शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ नेवर एवर क्योंकि अगर अभी मैं कठोरता के साथ सीधे सीधे बता दूंगी तो शायद वो चीज़ आपके दिमाग में चली जाए और आप उसके ऊपर काम कर लें अदरवाइज नहीं बताऊंगी तो ये कहीं ना कहीं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गलत है दैट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पे फील कर रही हूं फोर ऑफ सोच का कार्ड यानी कि बीमार पड़ने के इतने स्ट्रॉन्ग चांसेस है ना कि उठना रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा इट विल बी लाइक बहुत लंबा समय खिंच जाएगा पंद्रह दिन दस दिन ठीक है बीस दिन महीना महीने की एनर्जी मुझे यहां पे आ रही है तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभी प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों की किस तरीके से कितनी खराब चल रही है अगर इस तरीके की एनर्जीज में रहेंगे तो आई एम नॉट के कुछ खासा आप अच्छा क्रिएट कर पाएंगे ऑल दो नेगेटिविटी को इतना मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में कि चीजें बर्बाद होती चली जाएंगी एंड आई एम टेलिंग यू गाइज प्लीज अपना ख्याल रख लीजिए क्योंकि फोर ऑफ सोट का, का कार्ड सिर्फ और सिर्फ दिखाता है दर्दनाक वेटिंग कि बस आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो और वो आपको मिल नहीं रही है यहाँ पे, पे मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहोगे क्योंकि यहाँ पे आप इतने पैशनेट दिख रहे हो मुझे पाइल नंबर वन पीपल कि आप किसी अदर चीज़ का इंतज़ार नहीं करोगे आप किसी ऐसी चीज़ का इंतजार करोगे जो कि आपके हाथ में नहीं है जो आपके बस में नहीं है जो आप ही की वजह से खराब हुई है तो ये है हंड्रेड आपकी हेल्थ तो पाइल नंबर वन पीपल प्लीज़ सबसे मेजरली अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा अदरवाइज आई एम सीइंग 2023 में मेजर इवेंट सबसे पहला आपका यही होगा कि आपकी हेल्थ बस में नहीं है काबू में नहीं है क्योंकि आपने उसका एकदम कबाड़ा कर लिया कचरा कर लिया है ठीक है तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना अपने आप को ब्लेम करना खाना न खाना सारे दिन भूखे रहना अपनी डाइट क्लियर नहीं करना अच्छी एक्सरसाइज नहीं करना अपने माइंड को गुड थाट्स से फुलफिल नहीं करना इन सब चीज़ों को दर किनारे करके कर और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आइए एंड एटलीस्ट इलेवन मिनट्स की मेडिटेशन एंड ग्यारह बारी ओम की चांटिंग जरूर करें ठीक है नाउ द सेकेंड मेजर नेगेटिव इवेंट जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है फाइव ऑफ वार्नस का कार्ड फाइव ऑफ वार्नस इज ऑल अबाउट नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थाट्स या फिर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ हो सकता है कि इस पूरे 2023 में आपके जीवन में या तो किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी के साथ और अच्छी खासी दी ली हो जाए मतलब कहते हैं ना कि दिया ली हो गई भाई गंदी वाली <laughs> जहाँ पर एक दूसरे के बस बाल पकड़ने की नौबत आ गई है या आ, मुझे वैसे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है मुझे कोर्ट कचहरी की भी एनर्जी नहीं आ रही है बट स्टिल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि हो सकता है कि मामला इतना लंबा खिंच जाए कि कोर्ट कचहरी का मसला फंस जाए तो प्लीज़ उस चीज़ से अपने आप को निकाल के रखना इन दो नेगेटिव चीज़ों से प्लीज़ बचने की कोशिश करना पहली चीज़ आपकी सेहत और दूसरी चीज़ किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसा हो सकता है कि दिमाग में किसी थॉट का इतना गंदा चलाना कि वो 24 एंड 7 आपको यू नो तानों की तरह कील की तरह कांटों की तरह चुभ रहा है ठीक है तो प्लीज़ इन दो नेगेटिव इवेंट से बच के रहना 2023 में आपके ओवरऑल Uh, जो है नेगेटिव चांस दो ही बन रहे हैं मेजर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंग मैं आपको ये बताऊंगी आप किसी भी चीज़ में स्टक नहीं हो गए ये आपके 2023 की सबसे पॉजिटिव इवेंट होगा कि आप किसी भी चीज़ में ना फंसे नहीं रहोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतने दिन हो गए यार ये काम नहीं हो रहा मेरा ठीक है चीज़ें ऑब्सटिकल्स आएंगे डेफिनेटली क्योंकि समय है ना समय आप बारह महीने हैं तो बारह के बारह महीने तो लकी जाने से रहे तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि टाइम uh, लगेगा आपको लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी चीज़ें खराब ही हुई जा रही हैं ठीक है को कभी ना कभी आपके ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे लेकिन वो ईज़िली easily... रिमूव हो जाएंगे इजीली खत्म हो जाएंगे ये चीज़ आपको बेहद पसंद आएगी मेजर इवेंट पॉजिटिव मेजर इवेंट फॉर द 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज सेवन ऑफ कप्स यानी कि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉग एनर्जी आ रही है दैट यू गाइस विल डेफिनेटली गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी मोर एंड मोर चॉइस चाहे फिर वो लव हो चाहे फिर वो करियर हो चाहे फिर वो जॉब हो बिजनेस हो लाइक वट एवर द थिंग और सोर्स इज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पास में आएंगे बहुत सारे ऑप्शन नाउ ये कार्ड दो चीज़ों को दर्षा. पॉजिटिव थिंग तो ये है कि हाँ बहुत सारे ऑप्शन से किसी एक अच्छी चीज को पिक करना है अब नेगेटिव चीज यहां पर यह है कि भाई प्लीज सही चीज को पिक करें बिकॉज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कप्स के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं जैसे कि यहाँ पे स्वर्ड है यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी है यहाँ पे कैसल है यहाँ पे एक ताज है किंग का फिर यहाँ पे ड्रैगन भी है स्नेक भी है एंड ये इंसान कौन है आई डोंट नो तो आ, ये शायद एंजल हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बहुत स्ट्रांगली कि अच्छा पिक करने की कोशिश कीजिएगा जल्दबाजी में डिसीज़न मत लीजिएगा ठीक है नाउ द वेरी सेकेंड पॉजिटिव इवेंट uh, जो 2023 का होगा वो होगा किसी बहुत ही स्पेशल पर्सन का आपके जीवन में आना जी हाँ uh, मैं बहुत हैप्पीनेस और बहुत पॉजिटिविटी देख रही हूँ यहाँ पे कि सिक्स ऑफ वॉन का कार्ड है फिर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी आपके लिए पेज ऑफ कप्स है यानी कि कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होगा पॉजिटिव होगा अच्छी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होगा जो अपने काम को अच्छे से जानता होगा जिसके मन में बहुत सारा स्नेह होगा जो कि सेंसिटिव होगा समझदार होगा और ट्रुथ स्पीकर होगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में आ जाए एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनर्स वाला होगा तो ये पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं इफ़ यू गाइज़ आर अनमेरिड राइट नाउ तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ सम वन वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी पैशनेट पर्सन इन योर लव लाइफ इज़ कमिंग विद होम यू विल डेफिनेटली गेट मैरी तो 2023 में पाए नंबर वन पीपल मैं मेजर इवेंट आप लोगों के लिए देख रही हूँ किसी तरीके का सगाई रोका शादी मंगनी ठीक है किसी तरीके का रिश्ता पक्का हो जाना एंड इफ़ यू गाइज आर मैरिड तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ सम काइंड ऑफ़ गाइडेंस इज़ कमिंग यू ये किसी भी तरीके का कोई गाइडेड पर्सन हो सकता है आपके जीवन में जो कि आ रहा है आपके लिए बहुत सारी तरक्की लेकर के आपका गुल मिलाकर के एम्पावेंट होने वाला है आप एक स्टेप अप में जाने वाले हो 2023 के अंदर जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ ठीक है आपकी बहुत सारी विक्ट्रीज होंगी बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव चल रही थी अब तक उनका अंत होने वाला है एंड क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है तो आपकी फैमिली के अंदर बहुत सारी गुड न्यूज आएंगी एंड स्ट्रोंग स्ट्रॉन्ग इवेंट्स क्रिएट होंगे तो नेगेटिव इवेंट यहाँ पर दो ही थे बीमारी का होना किसी के साथ झगड़ा हो जाना अच्छे इवेंट हैं यहाँ पे कि आपके पास में चॉइसेस आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं बदलाव आ रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ जो कि स्टेबल बदलाव होंगे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई ना कोई रिचुअल या फिर शादी के दो में आपके बड़े अच्छे वाले योग हैं ओके okay, तो अच्छे इवेंट्स भी हैं एंड बुरे इवेंट्स भी हैं नाउ लेट्स सी यहाँ के कार्ड क्या कहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए आया है टाइम टू तो गो सोल मेन फेट अगेन सेम कार्ड तो मैं यहाँ पे 2023 में सबसे स्ट्रांग मेजर इवेंट क्या देख रही हूँ आपका हो सकता है किसी तरीके का एग्ज़ाम क्लियर हो जाना ठीक है और आपकी शादी हो जाना या फिर आपका सगाई रोका कुछ हो जाना या फिर आपके पास किसी तरीके का ऐसा कोई ऑप्शन या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाना जिसके आने के बाद अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की तो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज यहां से भी हम देखें तो ये समय है भगवान जी आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि ये समय है पास्ट की चीज़ों को छोड़ करके प्रेजेंट की चीज़ों के ऊपर फोकस करना क्योंकि प्रेजेंट पे फोकस नहीं करोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं उनको खो दोगे इसलिए अच्छी चीज़ों पे फोकस करें कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या हो सकता है एंट्री हो गई है उनके साथ रिश्ता पक्का होने वाला है एंड आपके जो फेथ्स हैं यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको बहुत कुछ देगी अगर आप लोगों ने अभी तक डेस्टिनी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक सेपरेट डेस्टनी फॉर टू का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है तो आप लोग जाकर के चैनल पर वो भी देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये कार्ड बोल रहे हैं कि जो आपके फेथ्स हैं जो आपके कर्मास है पॉजिटिव कर्मास जो है वो आपको डेफिनेटली अदा होंगे ठीक है इस 2023 में नाउ लेट्स सी अर्जेंट गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू इस 2023 के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटी द अनचेरिएटेड सी एंड सीइंग बियॉन्ड तो आप लोगों के लिए बहुत ही अर्जेंट मैसेज यहां पर ये आया है कि अभी आप जो जीवन देख रहे हैं वो सिर्फ एक तरीके की अवस्था है ठीक है पास्ट में जो कर्म आपने किए या जिस तरीके से भी जो भी एनर्जी रही भगवान खुदा ना खास्ता जो भी नेगेटिव रहा उसका प्रतिबिंब है अभी की एनर्जी अगर आप अभी आज को ठीक नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप आज की नेगेटिव स्टकिंग एनर्जी का प्रतिबिंब देखेंगे रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि अभी जो चल रहा है उससे बियंग देखने की कोशिश करो यानी उससे आगे का देखने की कोशिश करो मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्यूचर में जियो हमेशा कहा जाता है प्रेजेंट में जियो डेफिनेटली लेकिन पॉजिटिव प्रस्पेक्टिव के साथ रहो ताकि आप जो अभी देख रहे हो इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आप देख सको ओके नाउ हेयर वी हैव द ब्यूटिफुल एंडलेस पॉसिबिलिटी का, का कार्ड तो डेफिनेटली आपको बोल रही है कि यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटीज है कि आपके जीवन में कितना कुछ अच्छा और कितना कुछ पॉजिटिव हो सकता है लेकिन अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे ऐसे ठीक है ऐसे तो कुछ हासिल नहीं होगा आपको मेहनत करने की जरूरत है जो ये एकदम ऐसा हो रखा है ना अनचेरिएटेड अनचेरिएटेड यानी कि जो कि स्तब्ध स्थब, है लाइक एकदम स्टक है तो ये जो स्टक सी है ना लाइक एक जो स्टक आपकी लाइफ हो रखी है अभी हो सकता है स्टक लाइफ है आपकी अभी हाल फिलहाल तो ये स्टक लाइफ जो है ये आगे बढ़ने वाली है एंडलेस पॉसिबिलिटी है इस चीज की आप बस अच्छा देखने की कोशिश करें ये अर्जेंट मैसेज है आपके दो के लिए समटाइम्स हमारे साथ पता है क्या होता है हमारे साथ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बारी कि हम लोग है ना हम भगवान को कोसते हैं हम्म एंड मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ भगवान जी से कि समटाइम्स मैंने भी नेगेटिविटी करी है लाइक इन माय इमेच्योरिटी बहुत साल पहले की बात है मैंने भी भगवान को बहुत सारी चीज़ों के लिए गुनेगार बोला है लेकिन ऐसी बात नहीं है भगवान जी परम जी कह लो या फिर डिवाइन कह लो वो हमेशा हमारे लिए वही करती हैं जो एकदम पॉजिटिव और परफेक्ट होता है ठीक है सो द थिंग इज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आप उनको ताने मत दीजिए आप उनको नेगेटिव मत बोलिए बस आप अपनी एनर्जी में रहिए आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा ठीक है नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए 2023 की मैसेजेस एंड एडवाइस तो देख ली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से एक आध कार्ड निकाल लेते हैं दो कार्ड निकले चलो ये ले लेते हैं तो मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी एंड ब्यूटी यू आर गेटिंग इन दिस 2023, सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ के अंदर तो पाइल नंबर वन पीपल ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं खुद का ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा एंड डेफिनेटली इतने ब्यूटिफुल मेजर इवेंट्स आप लोगों के लिए जो आए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए <laughs> मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि अच्छा सोचिए नेगेटिव मत होइए ठीक है जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट तो आप लोगों ने पायल नंबर टू को पिक किया है यानी कि आप लोगों का जो डीओ भी है वो हो सकता है सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन या फिर छः सात आठ नौ दस उन्नीस बीस इक्कीस बाईस अट्ठाईस उनतीस ब्यूटिफुल चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं 2023 के आप लोगों के लिए जो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे अलग अलग बताऊंगी सेकेंड थिंग अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू गाइस ठीक है एंड ओवरऑल 2023 विद सम गाइडेंस ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं मैं जब तक शफल कर रही हूँ कार्ड्स आप लोगों के लिए एंड कार्ड्स आप लोगों के लिए गैदर कर रही हूँ तब तक प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपने लिए प्रेयर कर लें डिवाइन से भगवान जी से जितने भी आपकी श्रद्धा है जिनको भी आप मानते हैं डेफिनेटली डू क्विक लिटिल प्रेयर फॉर योर सेल्फ भगवान जी को बोलिए कि हे भगवान जी आ, मुझे चीज़ें जो हैं बहुत खूबसूरती के साथ समझ आ रही हैं इस रीडिंग को देखने में मेरी जरूर मदद करें ठीक है आप अपने एंजल्स को भी इन्वोव कर सकते हैं इस रीडिंग के थ्रू सो लेट्स सी, आप लोगों के लिए पाइल नंबर टू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट यू गाइज आर वेटिंग फॉर समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने सिर्फ अभी काज मैंने देखे भी नहीं है आई एम एम गेटिंग दिस एनर्जी आई डोंट नो किसके लिए है बट आप लोग किसी चीज़ का किसी uh, किसी चीज़ का या किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं वो भी बहुत समय से किसी पर्टिकुलर चीज़ का किसी पर्टिकुलर पर्सन का या ये कुछ और भी हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक सन वाव ब्यूटिफुल एंड पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी दिख रही हैं लाइक like, हो सकता है कोई पर्सन है ये ठीक है जिसकी आ, लंबी कदकाठी है जो कि बहुत खूबसूरत है जिनकी आंखें बहुत स्पेसिफिक है या फिर आप किसी पेट का किसी डॉग का घर वालों से परमिशन लेने के लिए कुछ इंतजार कर रहे हैं आई डोंट नो किसके लिए मैसेजेस हैं। जस्ट इट पॉप इन माई माइंड एंड आई एम टेलिंग यू ओके अभी तो मैंने आप लोगों के सारे कार्ड्स भी नहीं देखे हैं कि क्या आया होगा चलिए तो इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी शफलिंग ऑफ कार्ड्स यू कैन डेफिनेटली वॉच इट नहीं तो थोड़ा सा आप लोग राइट right साइड में जाकर के टैप कर दीजिए तो आप लोग अपनी रीडिंग में पहुंच जाएंगे तो ये है मेजर इवेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव ये उनके मेजर रिफ्लेक्शंस ये हो गए आपके चैनलाइज मैसेज जो कि मैंने बोला था कि अर्जेंट गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन बॉटम ऑफ द टेक है हमारे पास ब्रीथ ब्यूटीफुल एंड लेट्स सी मोर अर्जेंट गाइडेंस फॉर यू डे के हाइयर व्यू ओके चलो तो स्टार्ट करें तो इन कार्ड को तो हम बाद में चेक इन करते हैं सबसे पहले आपका टैरो से देख लेते हैं क्या आया है आई होप कि आपको कार्ड एकदम ठीक नजर आ रहे हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करें ओके तो प्रियर आई होप सो आप लोगों ने कर लिया है मजिशियन किंग ऑफ सोट्स थ्री ऑफ सोट्स

क्या है मैनिफेस्टर है uh, मुझे ना पता है एक बहुत स्ट्रांग अब कार्ड देखने के बाद एनर्जी आ रही है कि आप लोग ऐसे होंगे कि आप खड़े होकर के थोड़ा सा ऐसे बोल देना यार मेरे साथ तो ऐसा बड़ा स्ट्रांगली होता है ऐसा तो होता ही रहता है मेरे साथ चाहे अब ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो ये आपके साथ होने शुरू हो जाता होगा दिस इज वॉट आई एम गेटिंग हेयर ठीक है क्योंकि मैजिशियन का कार्ड दो बार है एंड कार्ड्स इट्स सेल्फ रेजोनेट्स तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ जी भाई एकदम परफेक्ट कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के लिए पायल नंबर टू तो अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ छः सात आठ नौ दस उन्नीस बीस इक्कीस बाईस अट्ठाईस उनतीस है तो ये आपकी रीडिंग है चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव इवेंट्स के बारे में बता देती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स नहीं है आप लोगों के लिए पाइल नंबर टू आई एम सीइंग ऑलरेडी आप लोग थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा है ऑल मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंट्रो पार्ट भी दूंगी फॉर एवरी पाइल बट मुझे अंदर से फ़ील हो रहा है दैट्स वाई एम डूइंग फॉर यू गाइज ओके तो बेसिकली मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोग अपने अंदर आप लोगों ने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं लाइक पास्ट में आप कैसे थे अब आप कैसे हैं आपके अंदर ना एक तरीके की एक तरीके की भूख है ठीक है नॉलेज की भूख है आपके अंदर ठीक है कुछ कर दिखाने की भूख है कुछ ऐसा क्रिएट करने की भूख है कि आप चाहते हैं कि आप ऐसा कोई नाम कमाएं ऐसा कुछ करके दिखाएं कि लोगों को फक्र हो आपके ऊपर मोर ओवर आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जो कहते हैं ना एक एक खुशी मिले लोगों को आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं मुझे यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही है कि मोह माया में फंसे हुए लोग हैं पाइल नंबर टू मुझे यहाँ पे हीलर वाली एनर्जी आ रही है दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आम, नज़र नहीं आ रहा मुझे फीलिंग आ रही है इस चीज़ की तो कि आप लोग आ, मो, माया इन सब सी चीज़ों से दूर होकर के मोक्ष और आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं पाइल नंबर टू पीपल ठीक है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम सीइंग या तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट की थ्री ऑफ सोड्स अगर आप लोग किसी तरीके के कार्मिक रिलेशनशिप में हैं लाइक like, किसी भी तरीके का कार्मिक रिलेशन हो सकता है कार्मिक रिलेशन इन लव लाइफ और आपकी खुद की जो जनरल लाइफ होती है जो पेरेंट्स के साथ होती है फैमिली के साथ हो सकती है वो भी हो सकता है तो आप अगर किसी तरीके से यू नो you know, किसी पर्सन के साथ कार्मिक सिचुएशंस में है तो वो कार्मिक एनर्जी जो है टोटली ख़त्म होने वाली है दिस इज़ आई एम फीलिंग हेयर दिस इज़ एम गेटिंग हेयर फ्रॉम योर कार्ड्स थ्री ऑफ सोच्स का कार्ड है आपका दिल इस साल एक बारी बहुत गंदा वाला दुखेगा लाइक like, कहते हैं ना इमेंस पेन इतना गंदा वाला इतनी गंदी वाली तकलीफ इतना गंदा वाला दुख हाँ आपको महसूस होगा एंड यू गाइज विल बी लाइक ओहो क्या हो गया ये मैंने ऐसा तो डिजर्व नहीं किया था मैंने ऐसी तो प्रार्थना नहीं करी थी क्या मैंने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत इसलिए करी थी क्या मैंने इस इंसान के लिए इतनी मेहनत इसलिए करी थी ठीक है तो पूरे साल में एक बार डेफिनेटली आपको बहुत गंदा वाला पेन होने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे ठीक है आ, दो 2023 के अंदर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे महसूस नहीं कर रही हूँ कि आप बड़े विचलित से रहेंगे या क्या इस पेन के बाद भी ऑल दो आई एम सीन कि आप इस चीज़ से और उभर करके कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे जैसे कि मैंने एक पता नहीं किसका इंटरव्यू देखा था उसमें था किसी ने उससे पूछा था क्या था देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा बस क्वेश्चन और उसका आंसर है मेरे पास आ, अभी एक दो दिन पहले की बात है मैं इंस्टाग्राम पे रील्स ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा किसी ने उनसे पूछा वो लेडी थी कि अगर आज आपके पास जितनी सक्सेस है और वो सक्सेस कल आप उठे सुबह और आपके पास नहीं है तो आप पहला स्टेप क्या लोगे उन सारी चीज़ों को वापस से अचीव करने के लिए वो सारी सक्सेस को वापस से अचीव करने के लिए तो पता है मालूम उन्होंने क्या आंसर दिया उन्होंने ये आंसर दिया कि पहली चीज़ तो ये कि उस इतनी सक्सेस मैंने बहुत मुश्किल से अर्जित करी लाइक एक एक दिन का जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के अगर ये चीज़ मुझसे छिन जाती है तो मैं आ, पहली बात तो सो कर के उठूँगी नहीं ठीक है दूसरी चीज़ ये कि मैं आ, उस उस पेन से गुजरी होंगी कि मेरे पास इतना कुछ था वो मेरा खो गया लेकिन उस पेन के अंदर मैंने सीखा बहुत कुछ होगा तो उस उस सीखा जो बहुत कुछ है ना मैंने तो उस उस सीखे से मैंने जहाँ सौ गवाया था ना वहाँ मैं हज़ार क्रिएट कर दूँगी तो वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपने इस दो में जो भी ये पेन आप सहेंगे इस पेन से आपने जो भी दुख पाया या जो कुछ भी आपने पाया ना तो आप सिर्फ और सिर्फ दुख नहीं पाएंगे आप इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड नॉलेज गैदर करके कुछ बड़ा क्रिएट कर देंगे जिससे कि लोग आपकी वाहवाही करते नहीं थकेंगे आई एम सींग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर पर्सन हैं ठीक है तो लोग यू नो आकर आपको इतना स्ट्रांगली यू नो अप्रिशिएट करेंगे दैट वाओ यू यू एक्चुअली डिड इट आपने इतना स्ट्रांगली करके दिखा दिया कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी अनएक्सपेक्टेड कोई काम आप लोग करने वाले हैं 2023 में जो कि बहुत ही कामयाब काम होगा नाउ अब हम चलो नेगेटिव चीज़ की तो बारे में हमने बात कर ली ये इतना नेगेटिव भी नहीं था क्योंकि इसके पीछे बहुत एक बहुत ही खूबसूरत नॉलेज छुपी हुई है विद द पेज ऑफ सोट्स अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव इवेंट्स की तो सबसे पॉजिटिव इवेंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका अपना खुद का घर जी हाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि या तो आप लोग अपने खुद का घर बनाना चाहते हैं या फिर खुद का घर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर अपने खुद के घर में बहुत स्ट्रांगली अच्छे से रहना चाहते हैं गाइस दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ होने वाला है 2023 में या तो अनएक्सपेक्टेडली कोई बात चलेगी और आपका घर बन जाएगा या फिर आपका घर जो है गृह प्रवेश हो जाएगा या फिर आप जो है किसी नेगेटिव सिचुएशन से निकल करके अपने घर चले जाओगे तो सेकंड मेजर इवेंट मैं देख रही हूँ घर आपका या तो घर बनना या घर प्रवेश होना या घर बनने की बातें चलना हम्म मतलब सुर्खियाँ शुरू हो जाएंगी नाउ द थर्ड बेसिक एंड पॉजिटिव इवेंट जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है सिक्स ऑफ कप्स जी हाँ अगेन घर वाली एनर्जी लेकिन प्यार के साथ तो अगर पास्ट में आपको प्यार में धोखा मिला है नेगेटिविटी मिली है त्रास दी और परेशानी मिली है तो आपके जीवन में 2023 में आप किसी ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन से मिलने वाले हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे और उनके साथ आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ और कुछ भी नेगेटिव नहीं बचा ठीक है एंड नेक्स्ट इवेंट में यहां पे देख रही हूं बहुत ही स्ट्रेंथफुल एनर्जी आपके खुद के करियर में and high priestess. आप लोग या तो जॉब में किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएंगे किसी अपॉर्चुनिटी को उठाएंगे और उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर के अंदर uh, you know, स्ट्रॉ uh, कहते ना कि बिजनेस आपने क्रिएट किया छोटा सा और वो अभी चल निकला और वो बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर रहा है ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है लाइक वट आई फील एंड बिलीव आफ्टर सीन योर काजेस कि आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में आप ऐसे कई लोग मुझे कुछ उपलब्धियां हासिल करते हुए नज़र आते हैं आप लोग केज वाली लाइफ से निकलते हुए नजर आते हैं आप लोग अपना खुद का घर बिल्ड करते हुए नज़र आते हैं एंड अपने घर में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी देते हुए नज़र आते हैं मतलब मुझे यहाँ पे किसी भी स्तर पर नेगेटिविटी फील नहीं होती ठीक है। तो uh, मैं यहां पे मेजर इवेंट आप लोगों के लिए क्या फील कर रही हूं मेजर इवेंट मैं फील कर रही हूं क्या पॉजिटिविटी का आना आपका अंतर मन का बदल जाना आपके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का आना एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी लवेबल पर्सन का आपके जीवन में आना ऑल दो मैं शादी रोका सगा ये सब नहीं देख रही हूँ लेकिन वील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि हमें बताता है कि दो आपके जीवन में एक ऐसा साल मालूम पड़ेगा आपको आगे चल कर के नवम्बर दिसंबर ऑफ टू में जिसने कमाल मचा दिया जिसने मतलब बवाल क्रिएट कर दिया सब कुछ इतना पॉजिटिव हो गया कि आप लोग जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि दो की शुरुआत में तो ऐसा था और आज देखो कुछ है ठीक है तो 2023 आपके जीवन को टोटली बदल देने की हिम्मत रखता है नंबर पे पे क्या है यहाँ पे exchanging gifts. तो आप किसी पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ आप बहुत सारे जो गिफ्ट्स हैं बहुत सारी चीजें हैं उनको एक्सचेंज करेंगे बहुत खूबसूरती के साथ चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली रहेंगे आपके जीवन में मैंने बोला ही था थ्री ऑफ सो आप किसी पास्ट के पर्सन से किसी तरीके का कोई मैसेज या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई मैसेज या कॉल कुछ ऐसा आएगा आपके पास में किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिसको आप टोटली भूल चुके हो या फिर आप कभी याद नहीं करना चाहते हो एंड अगेन यहाँ पे होम का कार्ड है तो देखो मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे आपके सामने रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे होम का कार्ड है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगेन द सेम एनर्जी या तो आपका घर बनने वाला है या फिर आप किसी केज लाइक लाइफ से निकल करके कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो ठीक है नाउ लेट सी द एवे अर्जेंट मैसेजेज फॉर दिस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्रॉम द डिवाइन टू यू तो हमारे पास है रोज किसेस शाइनिंग थ्रू इन टू मी आई सी एंड एक्सपोज एंड रिवील देखो भगवान जी आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि आप खुद मैजिशियन हैं अपने जीवन के आपके जो कर्माज़ हैं ना वो कुछ इस तरीके के हैं कि आप खुद से अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं तो कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव मत बोलिए लाइक like, कुछ भी ख़राब मत बोलिए ठीक है कई बार ये ना मैंने जीवन में ऐसा देखा है आप ये टेक्निक करके देख सकते हो आईने में खड़े हो जाओ आईने में खड़े नहीं आईने के सामने खड़े हो जाओ एंड अपने आप को ना अफर्मेशन दो फुल फील के साथ यार पता नहीं क्या बात है आज तो मेरी स्किन बड़ी ग्लोइंग सी है मतलब ग्लो कर रही है मेरी त्वचा पता नहीं क्या बात है आई डोंट नो ठीक है हर हैप्पी हैप्पी रहो नेक्स्ट डे फिर आप अपने आप को ऐसी इफॉर्मेशन दो थर्ड डे फिर अपने आप को ऐसी अफॉर्मेशन दो सात दिन में एक्चुअल ग्लो ना आने लग जाए ना कसम से आई एम टेलिंग यू गाइस इन लाइक नियर अबाउट सेवन डेज और ये डिपेंड करता है आप कितनी फील के साथ इस चीज़ को कर रहे हो ये एक्चुअली में काम करता है इतना स्ट्रांगली काम करता है ना कि अगर आप बिलीव करने लगे ना शीशे में देख करके कि हाँ मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है तो नेक्स्ट सेवन टू फिफ्टीन डेज़ में एक्चुअली मैं आपके चेहरे पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है ये मेरा अजमाया हुआ है अजमाया हुआ है ठीक है अभी ना कब की बात है ये जब मैं आई वॉज इन आई गेस एलेवन्थ क्लास हाँ शायद इलेवन ट्वेल्थ की बात है बात है तो मुझे ना बहुत गंदी वाली मेरी तबीयत खराब हुई थी और मैं जब मैं ना अपने आप को अपनी शक्ल चेहरे चेहरे को आईने में नहीं देखना पसंद करती थी क्योंकि मैंने इतना वेट लूज़ कर लिया था मेरी आँखें बहुत बड़ी है मतलब बहुत मोटी मोटी आँखें हैं मेरी तो वो ऐसे बाहर आ गई थी एंड आई वॉज लाइक की ओ गॉड पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ है ना मैं अपने आप को देखना पसंद नहीं करती तो आई यूज़ टू डू दैट रेमेडी धीरे 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 अचानक से हुआ कि नहीं यार मम्मी आज कुछ बात है मेरी शक्ल में थोड़ा पहले से ठीक हुआ है थोड़ा पहले से ठीक हुआ है रोज़ 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 रोज, जब उस फीलिंग के साथ ऐसा बोलती गई ना वो एक्चुअली में मेरे साथ होता चला गया और फिर उसके बाद तो जब मैं मैनिफेस्ट करने लगी चीज़ें तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया विद दिस मिरर टेक्निक इतना मस्त काम करती है ना यू कैन ऑल्सो ट्राई इट तो आपको बोला जा रहा है कि अफर्मेशन अपने आप को दीजिए अर्जेंट मैसेज आपके लिए है कि आप एक ऐसे चमकते हुए सितारे हैं जिसकी रोशनी से बहुत सारे लोगों का मार्ग प्रदर्शित हो सकता है तो अपनी एनर्जी को बचा के रहिए एंड रोज किसेस अपने आप को रोज़ से कम मत समझिए रोज़ कैसा होता है इतने कांटों में रहता है लेकिन हमेशा मुस्कुराता है तो अपने आप को मुस्कुराई मुस्क मुस्कुरवाइए अपने <laughs> आप को स्माइल करवाइए ठीक है आपके अंदर हमेशा परमात्मा बसे हुए हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस 2023 के अंत तक आपके जीवन में घटित होंगी या रिवील होंगी उनको देख करके आप टोटली शॉक्ड हो जाएंगे ठीक है नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ से क्या आता है लाइक व्हाट एडवाइस और थिंग डी वॉन्ट्स टू टेल यू क्या भगवान जी दो में देंगे आपको स्ट्रॉन्गली करियज एंड साइकिक एबिलिटीज तो बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज एंड बहुत सारा करियज आपके जीवन में आएगा 2023 में जो कि आपके जीवन को भरपूरता से भर देगा और बहुत खूबसूरती के साथ चेंज कर देगा तो अलाइन कर लीजिए अपने आप को और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए ठीक है लव यो अलॉट गाइज आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार तो यही थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर टू पीपल अगर आप लोगों को पसंद आई है आज की रीडिंग तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सन पेटरिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं खुद से ढेर सारा प्यार कर सकते हैं ताकि आपका जीवन सुखमय हो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा बाय बाय एम अ ब्यूटीफुल पाइल नंबर थ्री पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस तो अगर आप लोगों का डी डेट ऑफ बर्थ इलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14 23 24 25 30 31 फर्स्ट है यानी कि 11 12 13 14 23 24 25 30 इकतीस है तो ये है आप लोगों की रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं ओके तो फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर थ्री पीपल आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम प्लीज़ जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप अपने लिए एक बहुत ही प्यारी सी प्रेयर कर लीजिए ताकि ये रीडिंग आप सभी लोगों से स्ट्रांगली रेजोनेट हो और आपको प्योर और पॉजिटिव गाइडेंस मिल सके ठीक है चलिए तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ प्लीज़ आप अपने लिए पॉजिटिव प्रेयर कर लीजिए बॉटम ऑफ द डेक हर ओके ठीक है ना होने से होना बेहतर सही बात है ना ओके कई बार क्या होता है ना कि हमारा मन बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटेड होता है लाइक ऐसा होगा नहीं होगा क्या हो सकता है या शायद हो जाएगा ठीक है मतलब हम अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं फॉर समथिंग एंड हम पॉजिटिविटी ढूँढने की पूरी कोशिश करते हैं पूरी उम्मीद के साथ लेकिन uh, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में लगे पड़े रहते हैं तो इस तरीके की अवस्था अभी हाल फिलहाल मैं आप लोगों की देख रही हूँ कि आप आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ पर अंतर्मन आपका हंड्रेड परसेंट नेगेटिव है लेकिन ट्वेंटी मैं बोलूँगी कि एटी परसेंट एटी परसेंट नेगेटिव है लेकिन ट्वेंटी परसेंट उस चीज़ को पॉजिटिव करने में लगे हुए हैं आप लोग बॉटम ऑफ द डेक फोर वंस ठीक है तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ अच्छे से आप लोगों के लिए एंड फिर अच्छे से रीड आउट करते हैं ठीक है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम उस तरीके के मिल नहीं रहे हैं आप लोगों को लाइक like कुछ चीज को लेकर के या तो आप ऑप्सेस्ड है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कुछ क्रिएट करने की लेकिन क्रिएट कर नहीं पा रहे बॉटम ऑफ द टेक का कार्ड है बहुत t-k-g okay mm -mm -mm. bottom of the deck wish upon us down wow <laughs> okay तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये कार्ड्स तो मैंने आप लोगों के लिए अर्जेंट गाइडेंस के लिए निकाले हैं जैसे कि मैंने कहा था और अब हम देखेंगे कि मोस्ट मेजर इवेंट्स आप लोगों के जीवन में क्या होने वाले हैं 2023 में ठीक है उसके मेजर इफेक्ट्स uh, क्या पड़ेंगे वो देखेंगे हम यहाँ से एंड अर्जेंट गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ से फिर लास्ट में आपको और क्या मिल सकते हैं 2023 में वो देखेंगे यहाँ से एंड गाइडेंस uh, चेक कर लेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्या आया है टू ऑफ कप्स जजमेंट फूल द वर्ल्ड पेज ऑफ सो थ्री अवस वो सो ब्यूटिफुल सो 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 ब्यूटिफुलर इज़ समाइस जो कि आपके ऊपर बहुत ही ख़राब नज़रे बिछाए हुए हैं इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है ऑल दो मैं यहाँ पे किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं कर रही हूँ ये बहुत अच्छी वाली बात यहाँ पर आई है आप लोग खुद देख सकते हैं किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है लेट मी मेक श्योर इट कि आपको सारे कार्ड सीधे दिख रहे हैं है ना? तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि चलो ये भी देख लेते हैं फिर बताती हूँ क्या फीलिंग है एस ऑफ स्टार ऑफ सोल्स ठीक है जी चलिए स्टार्ट करते हैं हम्म hmm. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मुझे किसकी एनर्जी फ़ील हो रही है एरीज लियोसेजिटेरियस जिमनाइ लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस स्कॉर्पियन एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड वर्गो पर्सनालिटी आल्सो अब जिन लोगों का साइन नहीं आया है तो ये मत सोचिएगा कि यार मेरा जोडियक नहीं आया मेरा जोडियक नहीं आया आपका जोडियक चाहे जो भी हो अभी आपकी एनर्जी इस तरीके की चल रही है ठीक है अच्छा जी तो बात है ऐसी कि हम बात करते हैं नेगेटिव इवेंट की और फिर हम बात करते हैं सारे पॉजिटिव इवेंट्स की तो नेगेटिव इवेंट तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है आपके पूरे 2023 में और वो है किसी का बुरा साया वैसे ये कार्ड इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड को देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है यहाँ पे लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिविटी आई एम सीइंग विद दिस कार्ड पेज ऑफ सोर्स कोई है जो कि आपके फैमिली के ऊपर घात लगाए बैठा है लाइक like, कहते हैं ना ये हल्के से गलती करें इन्हें नीचा दिखाएं ये हल्का सा कुछ करें और इनके साथ बुरा हो जाए लाइक like, एक खराब प्रवृत्ति कि इनका कुछ खराब हो जाए ना या ये अंधे हो जाए ना तो इनका सारा सामान मैं छीन लूँ ठीक है मतलब एक ग्रीडी नीडी खराब सी एनर्जी है यहाँ पे जो कि आपका पीछा कर रही है बहुत समय से लाइक आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ़ टाइम ठीक है पेज ऑफ सोच्स का कार्ड है तो इस पेज ऑफ सोच्स के कार्ड के हिसाब से ही आप लोगों के लिए जो मेजर इवेंट का रिफ्लेक्शन आया है वो है थ्री ऑफ सोच्स कुछ बातें हो सकता है आपको आपके घर की या आपके समाज की या आपके जीवन की या आपके पूर्व जन्म की आपको आभास हो सकती है पता लग सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करें ठीक है किसी की नेगेटिव एनर्जी आपकी सेहत आपके मनी फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा रोड़ा बन सकती है थोड़ा सा मैं एक लंबा चौड़ा नहीं देख रही हूँ लेकिन आप थोड़ा सा रोड़ा बन सकती है तो उस चीज़ से प्लीज़ अपने आप को सेफ करके चलना ठीक है दिस इज एक्चुअली आई एम टेलिंग यू सेफ करके प्लीज़ अपने आप को चलना अच्छा तो नेगेटिव पॉइंट तो सिर्फ एक ही दिखा मुझे अब मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाती हूँ पहली चीज़ वर्ल्ड का कार्ड अगर आप लोग किसी नेगेटिव रिपिटेटिव साइकिल के अंदर है काफ़ी टाइम से बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे लाइक रन हो रहा है रन हो रहा है रन हो रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगी कि सही होने का समय आ गया है अब आपका जो जीवन है वो खुशियों से भरने वाला है क्योंकि वर्ल्ड का, का कार्ड है आई एम एक नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है एंड कुछ बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट होने को है एज ऑफ वॉइंस का, का कार्ड है दैट मीन्स न्यू बिगनिंग आप में से बहुत सारे लोग अगर फॉरन सेटलमेंट का सोच रहे हैं या विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को विदेश चले जाना चाहिए आप लोग वीजा वगैरह ट्राई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट की चाहे पढ़ाई के लिए या किसी स्टेबल जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या कोई विदेश से आपका कोई काम या कुछ बनने वाला है तो वो भी हो जाएगा डेफिनेटली 2023 का जो आपका टाइम पीरियड होगा ना आपके करियर के लिए बहुत स्ट्रोंग अचीवमेंट्स लेकर आएगा आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगी कि Uh, मेरा ये काम इतना टाइम से रुका हुआ था या फिर इसके अंदर तो मैंने इतनी मेहनत करी है नो no. आपको कैसे लगेगा कि चट 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 हो गया सब कुछ लाइक तुरंत तुरंत हो गया सब कुछ ठीक है तो वर्ल्ड का कार्ड दैट मीन्स फ़ॉरेन सेटलमेंट फॉरन जाना घूमना फिरना रहना या वहाँ से किसी तरीके का व्यापार तो फॉरन सेटलमेंट के यानी अब्रॉड के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं ठीक है थ्री और बॉन्स आप बहुत सारा ट्रैवल करने वाले हो। पायल नंबर थ्री पीपल आप लोग मेजर इवेंट में बहुत सारा ट्रैवल करने वाले हो। ये ट्रैवलिंग देखो अब ये ट्रैवलिंग बिजनेस के लिहाज से भी हो सकती है या ये ट्रैवलिंग आपके किसी हनीमून वगैरह या फिर किसी तरीके का घूमना फिरना ऐसे भी हो सकते हैं ठीक है तो ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है 2023 में इस ट्रैवलिंग की वजह से आप अपने आप को कई बार बहुत पॉजिटिव भी फील करेंगे एंड कई बारी बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करेंगे क्योंकि बार बार ट्रैवल भी नहीं हो पाता है मैं सच्ची बताऊँ मुझे से आदमी का लड़की का औरत का जो भी समझे मुझ जैसे इंसान का तो बिल्कुल ही मतलब मुझे ट्रैवल इतना पसंद है ही नहीं तो और जब बार 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 सेम चीज़ आपको रेपिटेटिवली फे में वे में करनी पड़ती है तब भी हमें थोड़ा सा यू you नो know, uh, डिप्रेसिव एंड एक ही साइकिल में घूमते हुए अपने आप को महसूस करते हैं हम लोग तो वो चीज़ हो सकता है आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी या बर्डन दे लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज छोटी छोटी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दो में आप लोगों के लिए कोई खासा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है ऑल दो आपका विश्वास जो है भगवान के ऊपर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और बढ़ने वाला है लाइक like बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है फूल का कार्ड है मुझे आप में से बहुत सारे लोग जो है भगवान के ऊपर और बहुत स्ट्रांगली बिलीव uh, करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बिलीव की वजह से आपको जजमेंट डेफिनेटली मिलेगा जजमेंट का कार्ड है भगवान की तरफ से किसी तरीके का सुनहरा अवसर या किसी तरीके का कोई सुनहरा मौका का मौका अफसरिकी बात आई एम सो सॉरी किसी तरीके का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ऑप्शन या चॉइस या पॉजिटिव फेवर मिलने वाला डिवाइन की तरफ से पास्ट में अगर आपके साथ किसी ने गलत कुछ किया है तो उनके खिलाफ आपको जस्टिस भी मिल सकता है ठीक है टू ऑफ कप्स का कार्ड है तो मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे कि या तो आपको आपका खोया हुआ प्यार मिल सकता है 2023 में जो पास्ट में कहीं खो गया हो या जो कहीं चले गए हों फिर वापस कभी आए ना हो आपके जीवन में या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जिनके साथ आपका शादी भरा जो संबंध है वो डेफिनेटली हो करके रहेगा दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज तो स्ट्रॉन्ग इवेंट्स 2023 में होंगे होपफुल जर्नीज़ न्यू बिगनिंग्स शादी ठीक है uh, अच्छे जस्टिस ट्रस्ट एंड पॉजिटिव सेटलमेंट अब्रॉड सेटलमेंट ठीक है ये चीजें नेगेटिव चीज यहाँ पर यही है जो मैंने आपको बताई अभी क्या कि किसी की नजर है बहुत खराब जो कि आपके ऊपर लगी हुई है या आपके घर वालों के ऊपर लगी हुई है तो आपको उस चीज से थोड़ा सा यू नो बच के रहने की जरूरत रहेगी ओके नाउ लेट सी डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है को द डिस्टेंस टिकटॉक इन टू टू सी एंड ऑल दैट ग्लिटर देखो कई बार क्या होता है कि आजी मेरी तो कमर दुख रही है आजी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कुछ करने का पता नहीं मैं क्या करूं कैसे करूं फ़ोन चला लिया पड़े हैं खा पी लिया वहीं वहीं लौट गए ठीक है <laughs> मेरे साथ भी होता है सर्दियां तो भाई बिल्कुल ऐसी होती है कि रजाई में पड़े ही रहो निकलो ही मत बाहर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे काम को नज़रअंदाज़ कर दें या हम हमारी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नज़रअंदाज़ कर दें तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है टिकटॉक समय का सदुपयोग ज़रूर कीजिएगा हो सकता है बहुत ज़्यादा आलस बहुत ज़्यादा स्टकनेस आपको फील हो आपको ऐसा लगे अरे यार पड़े रहो शांत रहो चुप रहो यार है ना ऐसी वाली एनर्जी रहे तो इस चीज़ से इस एनर्जी से आप प्लीज़ बाहर आइएगा क्योंकि जैसे ही आप इस चीज़ से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना सारा ग्लिटर फैला हुआ है क्योंकि मुझे नेगेटिव एक भी चीज़ नज़र नहीं आई मुझे सारी पॉजिटिव एनर्जीज दिखी यहाँ पर ठीक है तो ऑल दैट ग्लिटर यानी कि बहुत पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे नाउ लेट्स यी अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू तो अर्जेंट मैसेज है यहाँ पे द पावर ऑफ पर्पज रूट्स ऑफ अबेंडेंस द लैंड बिटवीन एंड द ग्रेट बिग लव तो भगवान जी आपको एक अर्जेंट मैसेज 2023 के लिए ओवरऑल देना चाहते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का विकास बहुत तेज़ी के साथ होने वाला है 2023 में तो अपने आलस्य को त्याग करके कुछ स्ट्रांग क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ अपने हार्ट को और अपनी सोल को हील करके चलिएगा बिकॉज अ ग्रेट बिग लव इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ इन योर वे नाउ द थर्ड मोस्ट मेजर अर्जेंट uh, मैसेज जो है आप लोगों के लिए वो है कि आपको जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने भेजा आपको जिस पर्पस के लिए भगवान जी ने इस धरती पर भेजा उस पर्पस को मत भूल जाइएगा ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी को डेफिनेटली सर्व कीजिएगा जितना हो सके उतना तभी आपके जीवन में बहुत सारा अबेंडेंस एंड बहुत सारा ग्रेटफुलनेस डेफिनेटली आएगा नाउ नवलत सी यहाँ से आप लोगों के लिए क्या काज है भगवान जी दो में और क्या देख सकते हैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन एन होम तो बहुत ही खूबसूरत आप लोगों में से कई लोगों को घर मिल सकता है एंड आप बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इस 2023 में तो ये 2023 आप लोगों के लिए बहुत सुखद होगा बहुत अच्छे अवसर आप लोगों को मिलेंगे एंड न्यू न्यू अच्छे अच्छे, अच्छे इवेंट्स आप लोगों को मिलेंगे तो नेगेटिविटी तो नहीं देखी मैंने यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी देखी आप लोगों के लिए तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर थ्री पीपल अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है तो डेफ़िनेटली लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं प्लीज़ कैमर से बच के रहिएगा कोई कमेंट सेक्शन में आकर बोलते हैं गुरु माँ ये वो फलाना ढिकाना नो मैं वो नहीं हूँ सिंपली आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स तभी मिलती हैं जब आप लोग मुझे मेल करते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी तो अपना अपना ध्यान रखिएगा खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा ठीक है लव यू अलॉट गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी बाय हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग तो मैंने आप लोगों को वादा किया था कि एट लास्ट आप लोगों को यस नो डेफिनेटली बताऊंगी तो इस रीडिंग से जुड़ा हुआ या फिर आपकी कोई रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने सिर्फ अपने डी को पिक करना है उसी फाइल को जिस पाइल को आपने रीडिंग के दौरान पिक किया था एंड सी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या आता है ठीक है तो आप लोग अपनी पाइल को देखते हुए भगवान जी से अरदास कर सकते हैं इतने मैं कार्ड निकालती हूँ और अपने क्वेश्चन को सोच सकते हैं स्ट्रांगली सोचिएगा ताकि आपको आंसर मिल सके चलिए देखें तो अगर आप लोगों ने पायल नंबर वन को पिक किया है तो आप लोगों का आंसर है डेफिनेटली यस एज ऑफ वॉन्स का कार्ड है हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ एज ऑफ वन्स का कार्ड है एंड यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप निरंतर निरं निरंतर हे भगवान समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए ताकि आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिल सके फॉर द पाइल नंबर वन इट्स अ बिग येस नाव फॉर द पाइल नंबर 2 हेर इज़ अ कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ सोस कि आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है इट्स ए आंसर ऑफ मे बी मे बी का कार्ड है यहाँ पे सिक्स ऑफ सोच जो है पॉजिटिव कार्ड माना जाता है लेकिन सिक्स ऑफ सोच्स का कहना ये भी है कि मेहनत करोगे तो ये समुंदर पार होगा मेहनत नहीं करोगे तो बस बैठे रह जाओगे ठीक है सो फॉर पाइल नंबर टू पीपल इट्स मे बी बट आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप जो है ढेर सारी सक्सेस को हासिल कर पाएं फॉर द पाइल नंबर थ्री पीपल आंसर आप लोगों के लिए फाइव ऑफ कप्स ओके तो पाइल नंबर थ्री पीपल मुझे यहाँ पे आंसर आप लोगों के लिए सिर्फ ट्वेंटी परसेंट गेस्ट नज़र आता है एंड रेस्ट एट्टी परसेंट नो क्योंकि एक कहावत है मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो आपका जो मन है ना वो आपको विजय दिलाता है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी नेगेटिव बैठे हैं और इस कदर नेगेटिव है कि पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पा रहे हैं इस इंसान को देखिए ना कि ये अपने उन तीन गिरे हुए कप्स की तरफ ही देखे जा रहा है ये नहीं कि पीछे दो रखे उनको तो मैं संभाल लूँ ठीक है तो पाइल नंबर थ्री पीपल 80% परसेंट इट्स नो ट्वेंटी परसेंट इट्स येस बट यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव परस्पेक्टिव ऑफ योर लाइफ तभी जाकर के आपका जीवन जो है सुखद हो सकेगा तभी आपके क्वेश्चन का आंसर यस हो सकेगा तो पायल नंबर टू और थ्री के लिए कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं पायल नंबर वन वालों के लिए एकदम यस आया हंड्रेड परसेंट ठीक है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल अपना अपना ध्यान रखें खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए बाय